No. लाल कर दिया यार तुमने मेरा भाई, चेहरा दिखाना जरा, मस्त लुक है यार, एक नंबर किशन भाई, चेहरा एकदम टंटन गोपाल, क्या मस्त लुक है भाई का। बहुत बढ़िया भाई, बहुत मजा आया ना। मजा आया। क्या हो गया दोस्त तुमको? और राजेश भाई बढ़िया? चलो, अरे मस्त यार, मजा आया ना, मजा आया ना, सब बढ़िया भाई। कितना साल हो गया? 12 साल। जरूरी है यार, याद क्यों नहीं करे हो यार, याद क्यों नहीं करे हो? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा। श्याम मंडल भाई रिकॉर्डिंग करते हुए, इधर अरविंद भाई, चेहरा आप देख सकते हो अरविंद भाई का, ये अभी ने बात। इधर ये बंदा जो है मतलब पूरा नीट एंड क्लीन है, थोड़ा सा भी मतलब इसको केक नहीं लगा, ये गलत बात है यार। केक जिसके पास बचा है इसको लगाओ यार, एक ही बंदा नहीं बचना चाहिए। खाने को देवरे, ऐसे खाऊंगा, ऐसे चाट जाऊंगा सारा खाना, ऐसे जल्दी चाट जाऊंगा। हमारे पुराने दोस्तों, हम लोग 12 साल से एक साथ मिलने का प्लान कर रहे थे, लेकिन आज 15 जनवरी 2023 को हमारा प्लान सक्सेस हुआ और हम लोग एक दूसरे से मिले और इतना खुशी हुआ कि एक दूसरे के साथ सबको इतना गुल मैंने मजे से है कि इस मजा का मैंने बखान मैंने विश्लेषण करना बहुत ही कठिन है। और जितने भी दोस्त देख रहे हैं हमारे यहाँ, सब देखे, सब अपने अपने जगह पर सब मजे ले रहे हैं, सबने खाया पिया, सब ने एक दूसरे से प्यार बांटा, हम लोग ने केक काटा, केक काट के फिर हम लोग गाना बजाए, डांस किए। और हम लोग का एक पुराना मित्र जो हमारे बीच आज नहीं है, जिस उसका 5 साल पहले देहांत हो गया है किसी कारणवश, उसके लिए हम लोग 1 मिनट का मौन धारण भी किए, जो कि दोस्ती के बीच नहीं है लेकिन दोस्त है, तो हम लोग दिल में उसको हमेशा रखेंगे। और अब बात करते हैं हम एक एक दोस्त का। शादी का लड्डू नहीं भी खा लिया चलेगा, लेकिन इसका हाथ का लड्डू जरूर खाइए, इसका लड्डू बहुत अच्छा बनाते हैं। इसका एक खासियत है, ये सबको दादा ही बोलता है, और इसमें एक खासियत है कि ये बंदा बहुत मिलनसार है। इसका मतलब क्या बोले, प्रेम बांटने का जो तरीका है ना, वो अजीबो गरीब है, बहुत छुपा रिश्ता है, और बहुत कुछ है कि जिसको नहीं बोला जा सकता है पब्लिकली, और बोलना भी गलत है ना मित्रा जी। बात लेकिन तुम तो परिचय का मोहताज है। और एक बात मैं कृष्णा भाई के लिए बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जो जितने जन हम लोग सभी को मिले हुए हैं, उसका एक रीजन यही है कि कृष्णा भाई सबसे बड़ा बात है, सबको आया, भागीदारी दिया, सब धन्यवाद के पात्र हैं, किसी एक को नहीं करना है। लेकिन जो हमारे मुखिया जी, हम लोग हमारे जो मुखिया जो बोल सकते हैं वो ये विनोद भाई है। मैं हूँ ग्राम विकास में, बहुत से छात्र हम लोग का ग्रुप का है जो आज सक्सेस की सीढ़ी को
छू चुका है। ये लड़का इसका हाइट जो है ना हम लोग ग्राम विकास में सेकंड में आता था। कौन था? पुरन था। पुरन हाँ उसका था। तो सेकंड में आता और बहुत अच्छा फुटबॉलर भी रहे स्कूल के समय में। और फिलहाल ये जो देख रहे स्कूल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा था। बहुत अच्छे फुटबॉलर थे जिंदगी जी रहे हैं तो यही जी रहे हैं क्योंकि ये सिंगल जी रहे हैं। बात करते हैं हमारे महावीर भाई का। ये फुटबॉल में स्कूल टाइम में इतने माहिर थे सबसे स्पीड दौड़ने वाले ये थे। और एक रामा भाई थे जो अभी हमारे पिकनिक में नहीं आ पाए अपने काम के कारण। तो वो बहुत अच्छा खेलते थे। लोग का खेल से पूरा स्कूल हर कहीं मैच होता था। डांस भी करते थे आप। डांस का प्रोग्राम भी आपको देखे हम लोग। अपना परिचय आप खुद दीजिए। हम गढ़वा जिला में है। गढ़वा जिला के हमारे कृष्ण भाई सभी हमारे 2010-2011 बैच के साथियों का परिचय ले रहे हैं और इन्होंने मुझे अपना परिचय देने का दायित्व सोचा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि कृष्ण भाई ही जैसे सभी लोगों का परिचय ले रहे हैं मेरा भी परिचय देंगे। हाँ तो ये ब्लॉक में है ना अभी। हाँ। और ये अभी गढ़वा जिले में अपना क्या बोलते हैं कार्य कर रहे हैं और मैंने देश सेवा में लगे हुए हैं। सबसे खुशी की बात है कि हम लोग को बहुत जल्दी चाचा बनाने वाले हैं सबसे पहला बात ठीक ना। और ये हमको जब पिकनिक का प्लान बना रहे थे तो बहुत मैंने बोले कि मेरा वाइफ का थोड़ा तबीयत खराब है नहीं आ पाएंगे लेकिन किमती समय निकाल के दिए। भाभी भी ठीक हो गई है ये खुशी की बात है। रेलवे में कभी टीटी भी पकड़ता है तो हम लोग इसको फ़ोन करते हैं प्रभात देखो ऐसा ऐसा बात है और सब मदद करते हैं जबकि ये इनलीगल है हम लोग ऐसा फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। लेकिन दोस्त कमी नहीं होते हैं चाहे कहीं रहते हैं समझे। आप अपना परिचय दीजिए खुद से कुछ कहना चाहते हैं इस पिकनिक के बारे कैसा लगा आपको आके यहाँ पर। तो भाई ये सब का आश्रय कृष्णा जी को दिया जाता है। आश्रय नहीं श्रय बोलता है जो भी हो कृष्णा जी को दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए ठीक है। फिलहाल अपना संघर्ष में लगे हुए हैं। हर एक लड़का सफल करे तब हम लोग को और पिकनिक करने में मजा आएगा। बहुत खुशी की बात है कि आज ये समय निकाल के हम लोग को समय दिए हैं। विकास आज ही नहीं ये पिछले एक दिन से भी समय दिए हैं और ये पिकनिक को सफल बनाने में बहुत योगदान रहा है इसका। वो बंदा है जो हमको स्कूल में टिफिन खिलाता था घर से पीठा ला के गुड़ पीठा चीनी पीठा ठीक ना ये रोटी। हाँ रोटी। और हम लोग बहुत मिलजुल के सबसे ज़्यादा हम ग्राम विकास में अगर किसी के साथ रहे हैं तो हमारा लोटा तरफ के साथियों के साथ मैंने ज़्यादा समय बिताया है। उसी में से ये भी है एक नवीन भाई और ये उस टाइम भी पतले थे आज भी पतले अभी फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं। जेलर साहब है हमारे जेल में किसी को खाने बीड़ी सिगरेट पहुँचाना है तो इससे दम पर कर सकते हैं। बहुत अच्छा गलत काम नहीं कर रहा है पता है तेरे विश्वास वायरल नहीं होगा। मजाक कर रहे हैं लोग मस्ती कर रहे हैं वायरल भी होगा तो क्या होगा ये वायरल हो जाएगा ना। और इसको हम लोग प्यार से आलू बोलते हैं आलू बोलते हैं क्या बोलते हैं आलू। इसका आदत था स्कूल में प्रार्थना करने के बाद एंट्री करने का। इससे सीखने को मिला है कि जीवन में किसी बात का बोलने तो नहीं आता उसका अमल करना पड़ता है। और एक चीज़ है ये हम लोग के गार्जियन स्वरूप है। और कुछ आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हम लोग कुछ दोस्तों को कुछ बोलना चाहते हैं। हम भी कुछ कहना चाहते हैं ठीक है। इसके पीछे का रीजन है ठीक है। आप सबों का प्यार मोहब्बत ठीक है हमको बहुत 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 प्यार मिला हमको ठीक है। हाँ ठीक है इस पिकनिक को एंजॉय किया ठीक है। हम चाहते हैं इसी तरीके से हर एक बार समय निकाल कर सबको यहाँ